हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हम सब जानते हैं कि टीनेज टाइम से हमारी स्किन में बहुत सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज़ होने लग जाती है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं जो दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं, और फिर उससे हमें टैनिंग की प्रॉब्लम होने लग जाती है, पिंपल्स बढ़ जाते हैं, और उससे जो दाग धब्बे होते हैं और डार्क स्पॉट्स, ये सब प्रॉब्लम्स जो हुए हैं होने लग जाती है। और ये सभी प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे हमारी स्किन को जो है बहुत ही ज़्यादा डल डैमेज कर देती है, और हमारी स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, स्किन का कॉम्प्लेक्शन एकदम ख़राब सा होने लग जाता है, और फिर हम समझ नहीं आता कि हम क्या करें, ऐसी क्या चीज़ यूज़ करें जिससे हमारी स्किन जो है ठीक हो जाए। और जो टीनेजर्स हैं, अगर वो उन लोगों को प्रॉब्लम्स होती तो उन्हें तो ये समझ ही नहीं आता कि वो क्या प्रोडक्ट यूज़ करें, क्या करें। बट ऐसे टाइम में क्या है कि अगर आप टीनेज हो तो टीनेजर्स को ज़्यादातर केमिकल वाले प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं, किसी को भी केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए। बट स्पेशली अगर आप टीनेजर हो तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, आपको नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके ही अपनी स्किन का केयर करना चाहिए। और आपको भी डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और टैनिंग जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ये वीडियो ज़रूर ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे और इफ़ेक्टिव लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इन तीन जो स्टेप है, इन तीनों स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है, और ये बहुत ही ईजी है। सो गाइज़, आप देख सकते हो कि मेरी स्किन अभी कितनी ज़्यादा डल लग रही है, बट इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद मेरी स्किन में इंस्टेंटली फ़र्क दिखेगा। एक यूज़ से ही हमारी स्किन में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो गाइज, सबसे पहले हम एक टमाटो लेंगे और उसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। डायरेक्टली शुगर को ऐड नहीं करेंगे बिकॉज उससे हमारी स्किन पर स्क्रैचेस पड़ने का डर हो सकता है, इसलिए हम इसमें शुगर पाउडर को ऐड करेंगे। गाइज, टमाटो एंड शुगर का कॉम्बिनेशन जो है स्क्रबिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये हमारी स्किन से जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं और टैनिंग है, इन सभी को रिड्यूस करने का बहुत ही अच्छा काम करता है। साथ में गाइस, टमाटो में लाइकोपिन होता है जो हमारी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है और उसके जो टेक्सचर है उसे इम्प्रूव करता है। तो हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रब करेंगे पूरे फेस पर, और 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करके छोड़ देंगे। उसके बाद 10 मिनट्स के बाद हम इसे अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यूज़ से मेरी स्किन जो है वॉश करने के बाद कितनी क्लियर लग रही है। सेकेंड स्टेप के लिए गाइज, हम कोकोनट ऑयल लेंगे और इससे अपने पूरे फेस पर 5 मिनट्स के लिए मसाज करेंगे। कोकोनट ऑयल जो होता है हमारी स्किन जितने भी डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें क्लियर कर देता है, एकदम क्लींस कर देता है, और साथ में ये हमारी स्किन पर रिंकल्स जो है उन्हें भी आने से रोकता है। फाइव मिनट्स के बाद गाइज, हम इसे एक टॉवल की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जितनी भी ऑयल हमारे फ्रीज पर है उसे हम अच्छे से एकदम क्लीन कर लेंगे, एंड नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अगेन वॉश कर लेंगे। सो गाइज, जो थर्ड एंड लास्ट स्टेप है उसमें हम सिंपल से एक फेस पैक यूज़ करेंगे, जिसमें हम बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर एंड रोज वाटर सिर्फ इन दो चीज़ों को मिक्स करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे एंड 10 मिनट्स के लिए उसे छोड़ देंगे। तो गाइज, बेसन जो हमारी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करती है जिससे हमारी स्किन ब्राइटन अप होती है, एंड इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्किन पर पिम्पल्स होने से रोकती हैं।
बस 10 मिनट के लिए प्लंज करके छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसे अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं आपने 3 स्टेप्स यूजेस मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो और अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज़ की न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।